प्रयागराज में भी अब कालीचरण की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज को ज्ञापन सौंपा जाएगा और कालीचरण की रिहाई की मांग की। हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि कालीचरण ने जो भी बोला वो सही बात बोले, हम लोग उनकी रिहाई के लिए पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन दिया है, लेकिन अब समय धर्म युद्ध का है। हम सब बोलने के अलावा भी धरातल पर आकर के हिंदू हितों के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। आज हम लोगों का विषय यह था कि जिस प्रकार से कालीचरण महाराज जी की गिरफ्तारी अवैधानिक तरीके से की गई है, उसके विरोध में और उनके बयान का राष्ट्रीय हिंदू संगठन पूरी तरीके से समर्थन करता है। बिल्कुल उन्होंने कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है और पूरे देश का हिंदू समाज महाराज कालीचरण जी के बयान के साथ खड़ा है और राष्ट्रीय हिंदू संगठन प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। आज उसी क्रम में राष्ट्रीय हिंदू संगठन प्रयागराज सहित 18 जनपदों में देश के ज्ञापन देने का जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्य किया है। आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन प्रयागराज के नेतृत्व में गृह मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जी को दिया गया है और आगाह किया गया है देश की सरकार से कि अगर संत कालीचरण जी की गिरफ्तारी को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उनको रिहा नहीं किया गया तो हम पूरे देश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।